माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का लाभ लेने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान लालजी टंडन, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, राज्य के उपमुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री गिरिराज सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, रामकृपाल यादव जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्य सरकार में सभी मंत्रीगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब लोग के प्रणाम करे छियो। बेगूसराय में तेसर बेहद अहिए है, अपन सबके की हालचाल है। आप सब इतनी बड़ी भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि पटना से भी वीडियो के माध्यम से अनेक लोग जुड़े हैं। पटना और हजारीबाग में हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज ही कुंभकोणी सिमरिया नाम जपन कर बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने जहां सत्याग्रह किया, मनीषी जिसने देश को दिए, उस बेगूसराय की बिहार की पवित्र माटी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और सांसदों के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के जिम्मे आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाले कर्पूरी बाबू का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहेगा। इस कामना के साथ हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का
उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने वाले परियोजनाएं। इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी जनों को, नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच भोला बाबू होते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती। साथियों, जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर आर्थिक गतिविधियां होती है, उसकी बराबरी करने की, बल्कि मैं कहूंगा उससे भी आगे निकलने की ताकत हमारे विशाल और पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार एनडीए सरकार बिहार समेत पूर्वी भारत के विकास के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं शुरू कर रही है, वो धन दूर नहीं है। जब ये क्षेत्र देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला अहम क्षेत्र बन जाए। बच्चों, बिहार समेत पूरी भारत का कायाकल्प करने के शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जगदीशपुर हटिया पाइपलाइन के पटना भुलपुर सेक्शन का लोकार्पण थोड़ी देर पहले किया है। आपको याद होगा कि लगभग 3.5 साल पहले जुलाई 2015 में पटना से ही मैंने इसकी आधारशिला रखी। गैस पाइपलाइन की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का भी विस्तार मुजफ्फरपुर और पटना को किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी परियोजना। तीन बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहाँ बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना जिससे चालू किया जा रहा है उसको स्वयं उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इस परियोजना का तीसरा लाभ ये होगा कि जब यहाँ पर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी
गंगा परियोजना यहाँ के लोगों और विशेषकर मध्यम वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने पीएमसी का विस्तार होने से गाड़ियां चलाने वाले लोगों का खर्च कम होगा और पेट्रोल डीजल पर चलने वाला कुछ पैसा भी बचेगा। इसके अलावा पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बड़ौली का ये खास कारण है तो यही की संतान आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को एक प्रकार से हमारी नम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इसको यहाँ स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने के कारण ये बंद हो गया। अब जब हम यहाँ गैस पहुंचाने में सक्षम हुए हैं तो इसको गैस आधारित बना दिया गया। बड़ौली के अलावा गोरखपुर सिंधी और उड़ीसा के तालचेर में भी ऐसे कारखाने को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से चल रहा है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। साथियों इन तमाम कारखानों से यहाँ के किसान भाइयों को पर्याप्त खाद तो मिल ही पाएगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अपने किसान भाई बहनों के लिए इस बजट में सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान भी किया। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के भी किसानों को होगा। सोचिए जब इतनी बड़ी राशि देश की ग्रामीण अवस्था में अर्थव्यवस्था में सीधी पहुंचेगी बिना किसी बिचौलिए के पहुंचेगी तो वो गाँव को गाँव में रहने वालों को कितनी बड़ी ताकत होगी। जब कोई उद्योग रखता है तो आजकल रोजगार का एक पूरा वातावरण बन जाता है। बिहार सहित पूरे पूर्व भारत का होगा। इसी प्रकार बड़ौली की रिफाइनरी के विस्तारीकरण से यहाँ कच्चे तेल के शोधन की क्षमता बढ़ेगी और बिहार के साथ साथ नेपाल तक पेट्रोलियम से जुड़ी चीजें आसानी से सुलभ हो पाएगी। साथियों हमारी सरकार द्वारा कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज यहाँ से रांची पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दी। इसके अलावा बड़ौली उमेदपुर मुजफ्फरपुर बच्चों फतुहार इस्लामपुर बिहार शरीफ गलियाबाज रेलगाड़ियों के बिजली का काम पूरा हो चुका है। साथियों रेल के साथ साथ हम शहरों में भी स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मैं पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि पाटलिपुत्र अब मेट्रो रेल से जुड़ने वाला है।
13,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे वर्तमान शहर को और उपलब्ध देगा नई रफ्तार देगा। पटना हीरो फ्रंट के विकसित होने से पटना में रहने वाले लोग और पटना आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव मिलने वाला है। साथियों, एनडीए सरकार की योजनाओं का विजन हमारी विकास यात्रा दो पंक्तियों पर एक साथ चल रही है। पहली पंक्ति है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजना और जो विकास लोगों को आधुनिक सुविधा है और दूसरी पंक्ति है उन वंचितों शोषितों पीड़ितों का जीवन आसान बनाना जो पिछले 70 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सुविधाओं के प्रति अपने उन भाई बहनों के लिए पक्के घर बनाना, उनकी रसोई को धुएं से मुक्त करना, गैस कनेक्शन देना, उनके घरों को बिजली से रोशन करना, शौचालयों का निर्माण, उनको इलाज की सुविधा देना, दवाई का खर्च बचाना, बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकार से चल रही है। न्यू इंडिया का रास्ता इन्हीं दो पटरियों से होते हुए गुजरता है। केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत बिहार में गरीबों के लिए 18 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। इसमें 50,000 से अधिक गरीब बिल्कुल खाने बने हैं। इसी तरह अमृत मिशन के तहत बिहार के 27 शहरों जैसे आरा, हाजीपुर, पटना, सासाराम, मोतिहारी, भागलपुर, मुंगेर, सिवान को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आज भी पटना के साथ साथ बिहार के दूसरे शहरों के भी पीने का पानी, शौचालय से पानी के निकास के लिए और स्वच्छता से जुड़े 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार हमारे जब बाढ़ मुल्तानगंज और नौबक्षा के लिए विपरीत नेटवर्क और गंदे पानी की सफाई से जुड़े प्लांट जब तैयार हो जाएंगे तो इससे नमामि गंगे मिशन को और ताकत मिलेगी। हमारे ये शहर भी साफ सुथरे रहेंगे, यहाँ का पानी स्वच्छ रहेगा। भाइयों बहनों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो, स्मार्ट सिटी हो, गंगा जी की सफाई की बात हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ एनडीए सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बल दिया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टि से आज एक ऐतिहासिक दिन है। छपरा और पूर्णिया में अब नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले, वही भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पटना एम्स के अलावा
एक और देश बनाने पर काम चल रहा है। इन सारी सुविधाओं के विकसित होने के बाद बिहार के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज से बाहर जाने की आवश्यकता कम हो गई। भाइयों बहनों, मैं करीब के उस दर्द को जानता हूं जब अपना इलाज इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे घर चलाना होता, बच्चों को पढ़ाना होता, इसी स्थिति में उसकी बीमारी और गंभीर होती चली जाती। देश के हर गरीब को इस चिंता से निकालने के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरू की। इस योजना पूरे देश के लगभग 50 करोड़ गरीब के लिए 19 किराए बन गई। इसमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोग इतने कम समय में देश के लगभग 12 लाख गरीब परिवारों को इससे मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। इसमें बिहार के भी 12.5 हजार से अधिक लोगों को इलाज का लाभ मिला। हाल ही में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की है। ये दूसरे वर्ग के आरक्षण को बनाए रखते हुए किया गया है। साथियों, विकास और विश्वास के ये तमाम कार्य इसलिए संभव होता है क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार सारे साल पर पहले जो पूरी क्षमता के साथ तेजी के साथ फैसले ले पाती है, फैसलों को जमीन पर उतार पाती है। इसलिए एक बार फिर आप सभी को के साथ की योजनाएं नए बिहार की पहचान बनाएगी, युवाओं को रोजगार देगी, किसान को ताकत देगी, पटना की नई पहचान बनेगी, आरोग्य की दृष्टि से स्वस्थ बिहार के सपने पूरे होंगे। इन सब बातों के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। नितिन बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।